हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सुपर ब्रेकआउट सीरीज का ये वीडियो नंबर 6 है। यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं दो ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक की जहाँ पे हम लोगों को आने वाले समय में 30-40% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। पहला स्टॉक है इल्कॉन इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस स्टॉक ने एक VCP कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहा है। पिछले 8 वीक में स्टॉक ने एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हुए ब्रेकआउट भी दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कंपनी के अर्निंग्स भी आपको दिख रहे हैं। लगातार कंपनी का EPS ग्रो हो रहा है। पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा खासा EPS में ग्रोथ किया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के सेल्स के ऊपर फोकस करें तो सेल्स में थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें दिक्कत दिख रही है, मगर अगर सेल्स को इग्नोर करते हुए हमने अगर OPM पे ध्यान दिया तो हमें दिखता है कि OPM एक स्टेबल रेंज में है, जो जो कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करेगा। यहाँ पे और कुछ डेटा पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो इस स्टॉक ने अपने पिछले 52 वीक से अभी तक 200% की रैली की है, और जो अभी का स्टॉक करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो अपने 52 वीक हाई से सिर्फ और सिर्फ 6% माइनस चल रहा है। अगर इसके टेक्निकल्स के बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाए तो आप देख सकते हो कि स्टॉक कंफर्टेबली अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये लगभग ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है कि इसके RS रेटिंग से हमें पता चलता है। जो नीचे वाला इंडिकेटर है वो RS है, और इसी से हमें पता चलता है कि स्टॉक अपने ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर इसके बाइंग पॉइंट की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे आप लगभग यहाँ से 400 के ऊपर इसको बाई कर सकते हैं, और इसके स्टॉप लॉस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 365 से 367 के बीच में आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो, और आने वाले समय में आप इस स्टॉक से आसानी से 20-30% का रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकते हो, और उसी के बीच का हम लोग टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस, आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। उसी के साथ साथ हमारा एक रेगी पे भी एक ग्रुप है, आप उसी पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हर बार ब्रेकआउट के स्टॉक्स यूट्यूब पे अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको वहाँ पे अर्ली एक्सेस मिल सकता है ब्रेकआउट स्टॉक का, तो इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना अनिवार्य है। तो हमारा दूसरा स्टॉक है BDL का, यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन देख सकते हो। इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छा VCP पैटर्न दिख रहा होगा। इस स्टॉक ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो अर्निंग्स है वो बढ़ रहे हैं, उसी के साथ सेल्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं अर्निंग्स को, और दोनों भी इस प्राइस मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी के टेक्निकल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, और अपने 52 वीक लो से लगभग 155% की रैली अभी तक इसने दी है। स्टॉक का RS रेटिंग भी अच्छा खासा चल रहा है, तो इसका मतलब कि स्टॉक ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक लगभग लास्ट 21 वीक से कंसोलिडेट कर रहा था, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ही इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर इस स्टॉक के हम लोग एंट्री की बात करें तो लगभग आप प्रीवियस जो कैंडल है उसका 50% लेके भी चलोगे तो इस अराउंड 900 से लेके 901 या 2 तक आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे हमें पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक बड़ा कैंडल है, और वहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, इसलिए हम लोग पुल बैक का इंतज़ार करेंगे और 900 से लेके 923 तक का हमारा एंट्री का हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग लो जो है वो हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और वो आता है लगभग 800.05 का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आता है, जो लगभग कि अराउंड 10% के आसपास होगा, क्योंकि हम लोग इस स्टॉक में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं इसलिए हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है। मगर जो रिटर्न हम लोगों को इस स्टॉक से मिलेंगे वो लगभग हमें 40% के प्लस के रिटर्न के लिए जाना है, तो 10% थोड़ा सा यहाँ पे जायज बन सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कम रख सकते हो क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है, इस तरह से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये दो स्टॉक थे हमारे VCP पैटर्न से ब्रेकआउट होने वाले, और इस मार्केट कंडीशन में हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देने वाले ये दो स्टॉक मुझे तो
अभी फिलहाल के लिए दिख रहे हैं। तो इन दोनों स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है और दिए गए लेवल्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश करना है, और लगभग लगभग आपको 30 से 40% के टारगेट्स आपको इन दोनों स्टॉक में रखने हैं। अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट चेक करना। वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज भी मैंने शेयर की है आपके साथ। इसी के साथ साथ हमारी ये ब्रेकआउट सीरीज भी चलती रहेगी, जहाँ पे मैं आपके लिए इसी प्रकार के ब्रेकआउट वाले स्टॉक आपके लिए मैं हर वीक लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।